नमस्कार, गंभीर ने बड़ा दाव चल दिया इस बार। जी हाँ, गंभीर भाई साहब, दाल चल दो, चाल चल दो भाई साहब, बड़ा दाव चल दिया है, बड़ा दाव चल दिया है। गौतम गंभीर को इतनी अच्छी लग गई है सूर्य कुमार यादव की एक बात, एक सूर्य कुमार यादव का एक फैसला गौतम गंभीर को इतना अच्छा लगा है कि गौतम गंभीर ने सूर्य कुमार यादव से बातचीत की है और सूर्य कुमार यादव को लेकर एक बड़ा ऑफर गौतम गंभीर ने दे दिया है। गौतम गंभीर ने सूर्य कुमार यादव को साफ तौर पर कह दिया है कि भाई साहब, अब तुम 2025 में आओगे, हमारी टीम का मान बढ़ाओगे। साल 2024 के बाद 2025 में गौतम गंभीर एक ऐसी टीम बनाने वाले हैं, एक ऐसी टीम का निर्माण करने वाले हैं, ऐसी टीम का सिलेक्शन करने वाले हैं जिस टीम को हरा पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन होगा, बड़ा मुश्किल होगा। एक ऐसी टीम गौतम गंभीर साल 2025 में बनाने वाले हैं और उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। पहली साल में कमजोरियां दूर की जाएंगी और दूसरी साल में फिर वो टीम बनाई जाएगी जो टीम केकेआर को दोबारा से चैंपियन बनाने की ताकत रखती होगी। अब दरअसल गौतम गंभीर को पहले तो सूर्य की कौन सी बात अच्छी लगी और फिर सूर्य को क्या प्लान दिया गया, देखिए ये मैं आपको बताता हूं। अब सबसे पहले देखिए, सूर्य कुमार यादव जो है आपको पता है बड़े अच्छे इंसान है, अच्छे खिलाड़ी तो है, अच्छे इंसान भी है। सूर्य कुमार यादव ने सरफराज खान को टीम इंडिया में मौका दिलवाया है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, मैं आपको बता देता हूं, सूर्य कुमार यादव ने ही सरफराज खान को टीम इंडिया में मौका दिलवाया है। सूर्य ने ही रोहित शर्मा से सिफारिश की थी, रोहित शर्मा ने फिर सेलेक्टर से, कोच से सिफारिश की, कोच ने सेलेक्टर से की। तो जाहिर तौर पर सरफराज खान ने आते ही कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो सूर्य की इस बात से एक चीज समझ में आती है कि सूर्य को खिलाड़ियों की परख है, सूर्य को पता है कि कौन खिलाड़ी कैसा कर सकता है, किस मौके पर कैसे परफॉर्मेंस कर सकता है। गंभीर को यह बात पसंद आ गई। गंभीर वैसे भी सूर्य कुमार यादव को बड़ा पसंद करते हैं, सूर्य कुमार यादव गंभीर की कप्तानी में खेल भी चुके हैं, गंभीर को पता है कि सूर्य कुमार यादव के अंदर क्या ताकत है। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए गौतम गंभीर अब साल 2025 में सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बड़ा प्लान बना रहे हैं। खबर है कि सूर्य कुमार यादव से फोन पर बातचीत गंभीर की हो चुकी है। सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि साल 2024 में तो हम मुंबई को नहीं छोड़ सकते, लेकिन साल 2024 के बाद सूर्य कुमार यादव मुंबई को छोड़ने वाले हैं। अब खबर यह है कि सूर्य कुमार यादव को गौतम गंभीर केकेआर में लाएंगे और लाते ही कप्तान बना देंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के अंदर वो परख है, वो खुद तो बेहतर प्रदर्शन करते ही हैं, वो खिलाड़ियों से भी बेहतर प्रदर्शन करवाने की ताकत रखते हैं। उन्होंने टीम इंडिया में कप्तानी करके बात दिखाई है, उन्होंने सरफराज खान को मौका दिलवाकर यह साबित कर दिया कि भाई साहब, कप्तान हो तो ऐसा, खिलाड़ी हो तो ऐसा, परख रखने वाला इंसान हो तो ऐसा जिसे पता है कि वास्तव में कौन सा खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन कर सकता है। तो जाहिर तौर पर अगर सूर्य कुमार यादव आएंगे तो सूर्य के साथ साथ हो सकता है सरफराज खान भी आपको केकेआर में नजर आए, और जिस अंदाज में सरफराज खान ने बल्लेबाजी की है वो आपको बीच में नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 पर बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखा सकते हैं। सरफराज खान का जो स्टाइल है खेलने का, ये जाहिर तौर पर बहुत बेहतर है। तो एक के साथ एक फ्री मिल सकता है। सूर्य कुमार यादव का सरफराज के परिवार के साथ बड़ा अच्छा संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। सूर्य कुमार सरफराज के पिता ने बात बताई है। तो जाहिर तौर पर अगर सूर्य कुमार यादव केकेआर में आते हैं तो सरफराज खान भी केकेआर में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि कई सारी टीमों ने उनकी इज्जत नहीं की, आरसीबी ने उनकी इज्जत नहीं की, दिल्ली ने उनकी इज्जत नहीं की। अब खबर है कि सरफराज खान भी आपको केकेआर में नजर आ सकते हैं आईपीएल 2025 में। 2025 में गौतम गंभीर इन दोनों खिलाड़ियों को अपने खेमे में शामिल कर सकते हैं। सूर्या को कप्तान बनाकर गंभीर एक बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं, और जाहिर तौर पर यह फैसला अगर हो गया तो केकेआर में वही टीम दोबारा से बन जाएगी जो 2014 में थी। उसी तरीके का कप्तान मिल जाएगा, उसी तरीके की सोच वाला इंसान मिल जाएगा, और सूर्य कुमार यादव इस वक्त शानदार परफॉर्मेंस तो करते ही है, तो कप्तान के तौर पर भी उन्होंने अपने आप को टीम इंडिया में साबित करके दिखाया है। तो आपका इस खबर पर क्या मानना है, क्या आपको लगता है कि वास्तव में अब सूर्य कुमार यादव को लेकर और उन्हें कप्तान बनाना केकेआर के लिए ठीक होगा, क्योंकि सूर्य की जो समझ है, जो फिटनेस है, वो शायद श्रेयस अय्यर से मुझे बेहतर नजर आ रही है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या सरफराज खान को भी आप केकेआर में देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।